सो गाइस, मैं प्रवेश मतनानी स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो के अंदर। हाँ आई नो, वीडियो थोड़ा सा लेट है। मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था मेरे कॉलेज के काम के वजह, मतलब कॉलेज में कुछ फंक्शंस वगैरह थे तो उनमें थोड़ा व्यस्त चल रहा था। तो अब मैं फ्री हूँ तो यार बहुत टाइम हो गया, थोड़ा वीडियो निकालूँ यार। हाँ मेरा हुलिया देख के तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बाकी ठीक है, सावन के कारण है ये थोड़ा सा। अभी कुछ दिनों में भी ठीक हो जाएगा, है ना। बाकी आज है 22nd of August, कितनी थर्ड है, नहीं हाँ 22nd है। हाँ तो आज 22nd of August और मैं जा रहा हूँ अन्नपूर्णा माता मंदिर, जो कि कलेक्टर के थोड़ा आगे पड़ता है, कलेक्टर ऑफिस के। तो चलें, वहाँ चलते हैं, फिर बात करते हैं, है ना। चल इस कलेक्ट्रेट तो मैं पहुंच चुका हूं। अब बाकी मुझे मेरे फ्रेंड अमीश का फ़ोन आया कि हाँ भाई वो कॉलेज से निकल रहा है, तो मैंने बोला कलेक्ट्रेट भी आ जा डायरेक्ट, तो साथ में चल चलेंगे अन्नपूर्णा मंदिर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम, वो आए तो फिर हम निकलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सामने से आता हुआ एक चिलगुजा क्रोजोन बेकरी, नहीं पता देखो कहाँ है, नहीं पता है। 2 साल से रोज कॉलेज जा रहा है इसी सेम रूट से। गाड़ी तू चलाएगा। ओके सो हियर वी जस्ट रीच अन्नपूर्णा टेम्पल। तो चलिए माँ अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं। सो माँ अन्नपूर्णा टेम्पल लोकेटेड इन इंदौर इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ओल्ड टेम्पल्स। वेल दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 1959 बाई महामंडलेश्वर स्वामी प्रबनंदा गिरी महाराज। हाँ जी, तो महामंडलेश्वर स्वामी महाराज जी ने बनवाया था ये मंदिर। सो द टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू अन्नपूर्णा माता, दैट इज़ द गॉडेस ऑफ फूड। And houses of idols of Sivan, Hanuman and Kal Bhairav are also in the mandir. So it also has a 14.5 feet high idol of Lord Shiva in lotus position that you will see in the video. Well, the architectural grandeur is reminiscent of the famous Meenakshi temple. The grand entrance is adorned with 4 life-size statues of elephants with intricate carvings. तो आपने देखा ही है कि बाहर 4 हाथी खड़े हैं आपकी सेवा में हाजिर। अब जानते हैं अन्नपूर्णा टेम्पल कितने मतलब एकर्स में फैला हुआ है। तो अन्नपूर्णा टेम्पल स्प्रेड ओवर 2 acres। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ द मैग्निफिशेंट अमालमगेशन ऑफ आर्यन एंड द्रविडियन आर्किटेक्चर। और अगर मैं अन्नपूर्णा टेम्पल की हाइट की बात करूँ तो द हाइट ऑफ अन्नपूर्णा टेम्पल इज़ मोर देन 100 feet। द मेन एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल इज़ कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द साउथ इंडियन आर्किटेक्चर ऑन द बैक्स ऑफ 4 बिग एलिफेंट्स। जी हाँ, तो 4 हाथी के पीछे आपने डिज़ाइन देखी ना, वो पूरी साउथ इंडियन है। So inside the Annapurna temple you will see the idol of Ma Annapurna glowing with Ma Kali and Ma Saraswati. Well, inside the premises of the temple, idols of various deities like Lord Shiva, Lord Hanuman and Kal Bhairav are also installed. There are 4 large elephants at the main entrance of the temple which enhance the beauty of the temple. Well, there is also a large Krishna temple inside the Annapurna temple complex, and you can see also you can also see pictorial depictions of Lord Krishna's life on the walls of the temples. वो आपको वीडियो में आगे दिख जाएगी। Well, the outer wall of the temple is beautifully decorated with mythological characters from Hindu mythological books, and the temple provides good space for conducting kathas, discourses and satsangs for more than thousands of people. You can also see beautiful Gaushala inside the Annapurna temple.
हाँ जी गाइस, तो ये थी कहानी अन्नपूर्णा मंदिर की। बाकी अब सबसे पास में यहाँ से रंजीत हनुमान भी है, तो अब हम सोच रहे हैं वहाँ जाने का। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, है ना। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको रंजीत हनुमान के बारे में बताऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, कमेंट करके बताओ आपको मंदिर कैसा लगा। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ आपसे रंजीत हनुमान वाले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।